चांगली होती, चांगली पिक्चर आहे, लोकांना आवडली पिक्चर, लोक आकर्षित होती त्या पिक्चर बघून. आणि काय मुंबईमध्ये लोकांना रोजगार धंदा जो भेटत नाही तो या मार्गाद्वारे भेटला पाहिजे, हा संदेश होता लोकांपर्यंत पोहोचवायचा. चांगली पिक्चर आहे. नवाजुद्दीन सिद्दीकी उनका काम ठाकरे के रूप में कैसा लगा? चांगला आहे त्याचा. चांगला. एंड अमृता राव योग्य. अच्छा एक बात, क्योंकि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं इसलिए जानना चाहेंगे कि ठाकरे जी की जो बायोपिक बनाने की कोशिश की गई है, आपको लगता है कि सक्सेस रहे हैं या कुछ कमियां रह गई हैं आपके अनुसार? नहीं नहीं सक्सेस है. सक्सेस रह गए. कितने स्टार देंगे आप? 5 में? 5 स्टार. खूपच चांगला होता. खूपच चांगला मूवी, मजा आली बघायला. मूवी एक्सेलेंट आहे, काही त्यात हे नाही म्हणजे असं कुठलं असं वाटलं नाही की साहेबांची ऍक्टिंग पण नवाजुद्दीन सिद्दीकीने एकदम भारी केली, एक्सेलेंट ऍक्टिंग केली. जसं म्हणजे पहिल्याचं तर आम्हाला माहिती नव्हतं कसं आहे, पण या पिक्चरमुळे माहिती पडलं की हां त्यांनी असं असं केलेलं आहे. ओके, नवाजुद्दीन का काम कसा लागा? नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक नंबर, खूप छान ऍक्टिंग करतात ते. किक मूवीपासून मला ते खूप आवडतात आणि आज तर भरपूरच त्यांनी सगळे रोल केले. असा एक साहेबांचा पण रोल केला तर मस्त वाटलं. म्हणजे पिक्चर लिहून सगळे रोल असतात, हिरो पासून विलन पर्यंतचे. तसं एक आमच्या साहेबांचा इंटरवेल बहुत पावर नहीं था पिक्चर में. नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बहुत अच्छी एक्टिंग है. जिस तरह से ठाकरे की बायोपिक बनाने की कोशिश की गई है, आपको लगता है कि बेस्ट बना पाए हैं? नहीं नहीं बना पाए. ओके, अमृता राव ओके, शी वॉज ओके. लाइक 5 में से 3 स्टार. तो भी जो संभाला 5 मिनट वो बेस्ट था जब वो जेल में गए थे. आपको लगता है कि जो ठाकरे जी की बायोपिक बनाने में डायरेक्टर सक्सेस रहे हैं? यस ऑब्वियसली सही होगा. सही बनाया, हूबहू हमें दिखाया उनको स्क्रीन पे. कितने स्टार देंगे आप? 10 देंगे हम. तो हम 10 देंगे. नवाज का काम कैसा लगा? अच्छा लगा उसका काम. अमृता राव कैसे लगी आपको? सबका काम अच्छा था, लेकिन कंटिन्यू अभी आगे मालूम पड़ेगा. ठाकरे जी की जो बायोपिक बनाई है, आपको लगता है कि सही बनाया है? सही बनाया है. अच्छा. और अमृता राव के बारे में? उसका भी रोल अच्छा था. कोई गाना पसंद है आपको? गाना था ही नहीं. कितने स्टार देंगे? पांच स्टार दूंगा. बहुत अच्छी अच्छी लगी, बस थोड़ी बोरिंग थी पर अच्छी लगी. हाँ वो भी बहुत अच्छे लगे. और बाकी मुझे थोड़ा गैंग्स ऑफ वासेपुर टाइप लगा, लेकिन इट वाज अमृता राव. हाँ इट वाज वेरी डिसेंट लुक एंड दैट वाज सो अमेजिंग, आई लाइक इट. क्योंकि ये ठाकरे जी को जो बायोपिक बनाने की कोशिश की वो बेस्ट बना पाए या कुछ कमी रह गई आपके अनुसार? मैं ज़्यादा ठाकरे जी को जानती नहीं हूँ, पर हाँ मुझे नवाजुद्दीन अच्छी लगी. ओके, कितने स्टार दोगे आप? 3.5. अच्छी है. नवाजुद्दीन का काम एक नंबर है जी. एंड और भी जो स्टार कास्ट है उनको कैसा लगता है? सब आप इधर आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी सब पूरे छाए हुए हैं हर पिक्चर, पूरा पिक्चर में और कोई दिखती ही नहीं उसमें. अमृता राव? अमृता राव का काम है ठीक है, हाउस वाइफ दिखा है. ठाकरे की बायोपिक आपको लगता है कि वो सही बना पाए? हाँ सही सही बनाया है, ज़्यादा उसमें कुछ दिखाया नहीं, जो सबको मालूम है वही सब दिखाया है. डायलॉग्स की बात करें तो कितना अच्छा लगा आपको, और कौन सा ऐसा डायलॉग है जो आपको सबसे अच्छा लगा? डायलॉग तो सब एक ही है, जो जय हिंद जय महाराष्ट्र बोलते हैं वही लास्ट तक है. 5 स्टार. ठाकरे मूवी देखी, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी. नवाजुद्दीन सिद्दीकी माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छे उन्होंने एक्टिंग की है. वो बायोपिक स्पेशलिस्ट बन गए, बहुत अच्छा लगा उनका जो उन्होंने रोल किया बाला साहब. अमृता राव वो भी बेटर थी, वो भी उन्होंने भी अच्छा मां साहब का रोल किया, बहुत अच्छा लगा. वो आपको लगता है कि एज एन ह्यूमन बीइंग ठाकरे जी की बायोपिक बनाने में सक्सेस रहे हैं डायरेक्टर? ऑफ कोर्स ऐसे बायोपिक बनाने चाहिए, इससे क्या लोगों को मालूम पड़ता है कि लीडर्स कैसे थे कैसे है. वरना हिस्ट्री देखे तो कोई ठाकरे जी के बारे में ज़्यादा कोई पता होता नहीं लोगों को, यूथ को स्पेशली. तो ये बायोपिक बहुत अच्छा मैसेज देगा, बहुत अच्छा है. कितने स्टार देंगे आप? 5/5. अगर वैसे देखा जाए तो कुछ खास मूवी नहीं है, इस लेवल पे नहीं थी जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग होनी चाहिए थी. मतलब ऐसा लगा कि वो अपने कम्फर्ट जोन से बाहर काम ही नहीं कर पाए. एंड दूसरा स्टोरी प्रेजेंटेशन भी इतनी कुछ खास नहीं थी, मतलब जो बाल ठाकरे जी के हिसाब से होनी चाहिए थी कि सब कुछ दिखाया, मतलब एक कन्फ्यूजन टाइप दिखा दिया कि हाँ बस डॉक्यूमेंट्री टाइप के ये हुआ ये करते करते चले गए. अमृता राव जी का तो जो था कि मतलब करेक्टर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट जितना उनका था उस हिसाब से उन्होंने बेटर निभाया. 2 स्टार्स. बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छी. नवाजुद्दीन की एक्टिंग के बारे में? 5/5. नो डाउट अबाउट इट.
ओके अमृता राव, अमृता राव बहुत अच्छी कर एक्टिंग की मीना ठाकरे की जी। एंड आपको लगता है कि डायरेक्टर जो है सक्सेस हो पाए हैं ठाकरे जी? 100% सक्सेसफुल, 100% सक्सेसफुल। उनको जैसा वो स्क्रीन प्ले में जैसा दिखाया गया ना, वो बहुत अच्छे से दिखाया गया उस चीज़ को। कितने स्टार देंगे आप? 5 out of 5। मतलब जो नवाजुद्दीन की एक्टिंग है इज डन अ गुड जॉब ऑफ वाला सर। आपको लगेगा कि आप ठाकरे सामने आपके बैठा है। हाँ, अच्छी पिक्चर बनाई गई है। मतलब आज के जो यूथ है, जिसने बाला साहब ठाकरे को नहीं देखा होगा, दे ऑल वुड लाइक टू नो कि बाला साहब कैसे थे, कैसे दिखते थे, उनकी लाइफ क्या थी। ये आगे पिक्चर हर कोई देखेगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कितना बेस्ट 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 अप टू डेट अप टू द मार्क। हाँ, एंड अमृता राव? नहीं, उसको तो एक साइड हाउस वाइफ दिखाया गया है, मतलब उसका कोई इतना खास डायलॉग रोल नहीं है। अच्छा, आप मानते हैं कि डायरेक्टर जो है वो सक्सेस हो पाए ठाकरे जी की बायोपिक बनाने में? यस। पिक्चर की 3.5। बहुत ही अच्छी मूवी है ठाकरे, बहुत ज़्यादा अनबायस्ड अप्रोच में लिया गया है शिवसेना का जेनेसिस और शिवसेना का स्टोरी बताने में, और उस हिसाब से मूवी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ग्रिपिंग है। ऐसा नहीं लग रहा था कि स्ट्रेच्ड है या बोरिंग है, पॉलिटिकल वे में, पॉलिटिकल मतलब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की तरह स्लो नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। बहुत ही अच्छी एक्टिंग है। ही हैज़ स्टेप्ड इनटू द शूज ऑफ बाल ठाकरे अमेजिंगली एंड ही हैज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब देयर। और सेक्रेट गेम्स के पास तो बाद वो छा ही गए, तो आई थिंक ही हैज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब हियर टू। अमृता राव का कोई खास रोल नहीं है मूवी में, क्योंकि आई थिंक कैरेक्टर का रोल नहीं है। हाँ, उनके कैरेक्टर की ही कोई रोल नहीं है मूवी में, बट शी हैज़ लुक्ड एज ब्यूटीफुल एंड एज ऑलवेज, एंड मूवी में उनकी कोई खास रोल नहीं है, पीछे वो हैं बैकग्राउंड में और अच्छी लग रही हैं। आई रियली थिंक ही हैज़ बीन सक्सेसफुल, बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है उन्होंने। सबसे बुरी बात बस ये लग रही है कि वो टू बी कंटिन्यूड है, तो एक सीक्वल आने वाली है, तो नो यू कब तक वेट करना पड़ेगा पता नहीं एज अ व्यूअर, बट मूवी बहुत ही अच्छी बनाई गई है। आई थिंक 4 stars।